इतने जोश उत्साह के साथ आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज आप लोगों के बीच आप लोगों को यह विश्वास दिलाने आया हूं कि जिस तरीके से मेरे नेता मेरे पिता हम सब के आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया समाज के शोषित वंचित समाज के दलित पिछड़ा वर्ग से अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों को उनके हक अधिकार मिले, इसके लिए मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके जाने के बाद उनकी ये लड़ाई उनका ये संघर्ष थमा नहीं है, उनके जाने के बाद उन्हीं का अंश हूं मैं, उन्हीं का खून मेरी रगों में बहता है। जो लड़ाई मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने शुरू की थी उस लड़ाई को सुखद अंजाम तक चिराग पासवान लेकर जाएगा। जब तक हमारे समाज को हर संभव अधिकार जब तक हम लोगों को हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक चिराग पासवान भी चैन की सांस लेंगे। ये हकीकत है कि आजादी के 70 साल के बाद भी आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं चाहे जात पात धर्म मजहब के आधार पर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी एक दलित समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को मंदिर में प्रवेश करने के बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। आज भी एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग करनी पड़ती है। आज भी जाति के आधार पर हम लोगों के साथ मतभेद किया जाता है। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सपना देखा था कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने का समाज हम लोग बनाएंगे, जहां पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी तरीके की कोई असामान्यता नहीं होगी। पर अफसोस आज भी उनके उस सपने को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। पर ये वादा आप लोगों से चिराग पासवान करके जाता है कि जब तक हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हर किसी को बराबरी का अधिकार बराबरी का सम्मान